संगम का एक और अनोखा जी, जहाँ पर आप देख रहे हैं 132,000 वोल्टेज की जो लाइन है वो संगम क्षेत्र में किस तरह से मैनेज की गई है। यहाँ पर ये काफ़ी ऊंचे पिलर पर खम्भे को स्थापित किया गया है। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर इस खम्भे को नीचे ज़मीन में स्थापित किया जाता तो ज़्यादा पानी भरने की वजह से या फिर बाढ़ आने की स्थिति में खम्भे तक पानी पहुँच जाता और फिर ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से करंट पानी में उतरने की संभावना थी। और इस खतरे को देखते हुए संगम क्षेत्र में जितने भी इस तरह के खंभे लगे हुए हैं ज़्यादा वोल्टेज वाले, उन सब को एक बहुत ही ऊंचे पिलर पर स्थापित किया गया है। ये बहुत ही अजीब सा नज़ारा दिखता है ना? यानी कि यहाँ पर एक ब्रिज टाइप का बनाया गया है। जितना ऊंचा ब्रिज का पिलर होता है उतना ऊंचा पिलर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जो और सभी खंभे आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब केवल कुंभ मेला के लिए लगाए जाते हैं और मेला समाप्त होने के बाद ये तंबुओं की नगरी ख़त्म हो जाती है और फिर यहाँ पर बिल्कुल सुनसान हो जाता है। कोई भी खंभे या फिर कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन ये जो 132,000 का आप देख रहे हैं ये हमेशा यहाँ पर रहता है। और आप इसी के बगल में देख रहे हैं भरद्वाज थाना, जो कि स्पेशल कुंभ के लिए बनाया गया है। आ